शहरीकरण की ओर बढ़ने के बाद प्रदूषण जैसी समस्या हमारे चारों ओर बहुत बढ़ गई है। प्रदूषित हवा के कारण इंसानों के साथ साथ दुनिया के अन्य जीवों का जीवनकाल लगातार खत्म हो रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यहाँ के पूर्व छात्र संघ ने एक एयर फिल्टर की खोज की है, जिसे परीक्षण के लिए शहर में स्थापित किया गया है। वायु प्रदूषण की समस्या के कारण निराश होने के बाद हुबली धारवाड़ शहर के लोगों के लिए इस समूह ने एयर फिल्टर टावर बनाकर इसे नियंत्रित करने की कोशिश की है। शहर में सरकारी स्कूलों की दीवारों को रंगने सहित कई सामाजिक कार्यों में शामिल होने वाले पुराने छात्रों का ये समूह अब भविष्य में जुड़वा शहर को धूल मुक्त शहर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। शहर के जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तकनीकी सहयोग के साथ सदगुरु श्री सिद्धारोड़ा हाई स्कूल के पूर्व छात्र एयर फिल्टर टावर के लिए साथ आए हैं, जो हुबली डहरिया जैसे जुड़वा शहरों में अपनी तरह का पहला टावर है। कसादिंडा रासा की योजना के तहत इस एयर फिल्टर को उनके द्वारा खोजा गया और इसे पंप सर्कल के ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन परिसर में स्थापित किया गया है। यह 50 से 100 मीटर के दायरे में काम करता है। इस तरह का एयर फिल्टर यूनिट दिल्ली में स्थित है, इसलिए हम छात्रों ने इसके बारे में शोध किया और इसे शहर में स्थापित किया है। दिल्ली के पहले एयर फिल्टर टावर को छोड़कर ये देश का दूसरा टावर है। इतना ही नहीं, ये कर्नाटक राज्य का पहला एयर फिल्टर टावर भी है। जैन कॉलेज के छात्रों ने 85,000 रुपए की लागत से इस इकाई का निर्माण किया है, कि अच्छी गुणवत्ता वाली हवा प्रदान करने के लिए है और करीब 50 से 100 मीटर की सीमा में हवा को शुद्ध करने में सक्षम है। इस तरह की एयर फिल्टर यूनिट पहली बार गौतम गंभीर ने दिल्ली में बनवाई थी। इसके बाद हुबली में यह दूसरी एयर फिल्टर इकाई है। सदगुरु श्री सिद्धारोड़ा हाई स्कूल के पूर्व छात्रों का उद्देश्य शहर में अधिक से अधिक एयर फिल्टर स्थापित करके जनता को बेहतर वातावरण प्रदान करना है। शहर के 9 सरकारी कन्नड़ स्कूलों को चिन्हित करके लोगों द्वारा प्रशंसित ये समूह अब एयर फिल्टर बनाकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ओर अग्रसर है। पूर्व छात्र संघ का निर्माण करने वाले छात्र समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इसे बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भले ही वे तमाम व्यस्त कार्यक्रम में रहते हों, लेकिन अपने जीवन में सामाजिक कार्यों के लिए वे समय देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।